भदोही जनपद स्तर का टॉप 10 एसएसटी शीटर अभियुक्त जो है वह पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। जवाबी फायरिंग के दौरान अभियुक्त के पैर में भी गोली लग गई है। जी हां, पूरा मामला भदोही का है, जहां पर पुलिस अधीक्षक का के निर्देश के बाद में लगातार कुख्यात अपराधी व एसएसटी शीटरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पर लगातार आरोपियों को पकड़ा भी जा रहा है। वहीं पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक हिस्ट्री शीटर बदमाश एक क्षेत्र में घूम रहा है, जिसके बाद टीम द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उसने फायर करना उस पर शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे पैर पर गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्त का नाम सत्यभान उर्फ दग्घा हरिजन है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और अब आरोपी से लगातार कई मामलों में पूछताछ की जा रही है। ये इस अभियुक्त की पहचान सत्यवान दत्ता के रूप में हुई है। ये जनपद भदोही का टॉप 10 अपराधी के रूप में चिन्हित किया गया है और इसके ऊपर 42 से अधिक अभियोग जनपद जौनपुर, भदोही और प्रयागराज में पंजीकृत हैं। इसमें लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, NDPS, HIZ जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। ये अभी तक की जानकारी के अनुसार इस अभियुक्त को चूँकि माननीय न्यायालय में त्वरित पैरवी करके सजा दिलाने के लिए इसको चिन्हित किया गया था, तो न्यायालय में जो इसके मुकदमे चल रहे थे उसमें 12 मुकदमों में ये अभी तक जानकारी मिली है कि ये तारीख पे हाजिर नहीं होता था और माननीय न्यायालय ने इसके विरुद्ध NBW जारी किया था, उसके बावजूद ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। इसके अलावा इस अवधि में ये कहाँ रहता था और किस तरह की घटनाओं का अंजाम देता था, उस संबंध में जानकारी मिली। सर, कितने दिन से फरार था? लगभग 2 साल से फरार बताया जा रहा है। इस अवधि में बार बार कोर्ट द्वारा सम्मन, नोटिस और फिर BW के बाद NBW जारी किया, उसके बाद भी हाजिर किया।